और अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का है इनके ऊपर क्या प्रक्रिया है, मतलब स्टूडेंट्स इनके ऊपर क्या प्रक्रिया है डायरेक्ट पेपर कैंसिल होने के बाद। जैसा कि आपको पता हुआ कि सीबीएसई के 12वीं और जो 10वीं के पेपर अभी बच रहे थे, जिसके ऊपर हमारे जो कोर्ट में फैसला चला था उस पर विचार विमर्श कर रहे थे कोर्ट के, जो ये 12वीं और 10वीं के पेपर बचे हैं वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जो हम इसके ऊपर फैसला गुरुवार को देंगे और आज वो दिन आ चुका है, मतलब आज गुरुवार है और आज जो कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि जो 12वीं और 10वीं का पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने लगभग जो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि जो 10वीं का पेपर नहीं होगा और जो 12वीं को ऑप्शन दिया गया, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 12वीं को क्या ऑप्शन दिया गया है, और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो रिजल्ट कब हमें जारी किया जाएगा, सरकार के द्वारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और हमें वो रिजल्ट कब प्राप्त होगा। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब बच्चों ने पेपर कैंसिल की बात सुनी तो उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जो मनीष सिसोदिया का ट्वीट्स है वो खोल के रख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मनीष सिसोदिया है इनका क्या कहना है जब पेपर कैंसिल हो गया तो इनके कैसे भावनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, मैंने कुछ दिन पहले मानव संसाधन मंत्री श्री डॉक्टर RP निशांक को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं न रखी जाए और इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर बच्चों को पास किया जाए। उसके बाद खुशी है कि आज देश भर के बच्चों के हित में फैसला हुआ है और अभिभावकों को राहत मिली है, मतलब जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गई है। और उसके बाद मैं जो आपको न्यूज़ है वो न्यूज़ पढ़कर बता देता हूँ कि न्यूज़ क्या है, पूरी जानकारी से हम जानकारी प्राप्त करने के आखिर कैसे क्या हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर खोल रखा है, इसके बाद हम न्यूज़ देखें। CBSE ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा, वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकते हैं। मतलब जो 10वीं और 12वीं का पेपर, एक तरह से जो 10वीं का पेपर है वो तो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, CBSE द्वारा पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जा चुका है, और 12वीं का भी कैंसिल हो चुका है पेपर, पर अगर 12वीं का स्टूडेंट चाहे तो 12वीं भी पेपर दे सकते हैं। और उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ICAC बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन स्टूडेंट्स को 12वें पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहते हैं। मतलब जो ICAC जो बोर्ड है वो नहीं चाहता है कि जो बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा पेपर देने का विकल्प दिया जाए, पर जो CBSE बोर्ड है वो चाहता है कि जो पेपर बचे हुए थे 12वीं के वो अगर स्टूडेंट चाहे तो बाद में दे सकते हैं। पर आपको नहीं पता होगा कि ICAC बोर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ICAC बोर्ड क्या होता है। तो इंग्लिश में ICAC का फुल फॉर्म इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। यह एक बोर्ड है जो कि भारत और अन्य देशों में शिक्षा प्रदान करता है। ICAC का हिंदी फुल फॉर्म माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र है। उसके बाद ICAC माध्यमिक शिक्षा संबंधित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को इंग्लिश मीडियम में संचालित किया गया है, साथ ही इस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं इंग्लिश मीडियम में होती है। ICAC बोर्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको पता चल गया होगा कि ICAC क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो CBSE बोर्ड है वो चाहते हैं कि 12वीं के पेपर जो बचे हुए हैं अगर स्टूडेंट चाहे तो दोबारा 12वीं दे सकते हैं, पर ICAC का बोर्ड चाहता है कि बाद में जो स्टूडेंट्स को ऑप्शन ना दिया जाए पेपर देने का। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मतलब जो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 12वीं की परीक्षा के बारे में CBSE के नोटिफिकेशन जारी कर रहे, पहला ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी इंटरनल असेसमेंट और 12वें बचे हुए पेपर देने का विकल्प दिया जाए और उसके बाद रिजल्ट घोषित करने की तारीख बताई जाए, और उसके बाद स्टेट बोर्ड में एग्जाम किस तरह होंगे इस पर केंद्र स्थिति साफ करे, और सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई करेगा इस पर। मतलब ये जो इस पर है इस पर जो फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर सुनवाई करेगी 10:30 बजे शुक्रवार को। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CBSE के फैसले के बाद आगे क्या, स्टूडेंट्स के पास क्या विकल्प है, इंटरनल असेसमेंट।
सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि दसवीं के बच्चों के जो पेपर बाकी रह गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, उन्हें बाद में भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वहीं नई स्कीम के तहत बारहवीं के स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा और उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब जो दसवीं के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कैंसिल हो चुका है, उनको बाद में भी कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। पर जो बारहवीं के स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहे तो बारहवीं पेपर दे सकते हैं, मगर जो उनका रिजल्ट है अगर वो जारी किया जाता है तो उनके जो पिछले 3 एग्जाम हैं उनके आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरा हेडलाइन है बारहवीं एग्जाम। बारहवीं के स्टूडेंट्स बाद में एग्जाम देने का विकल्प भी चुन सकेंगे ताकि वे इंटरनल असेसमेंट से निकला अपना रिजल्ट और सुधार सके। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जैसे ही माहौल सुधरेगा बारहवीं के स्टूडेंट्स अपने बचे हुए पेपर दे सकेंगे। और उसके बाद नया एकेडमिक ईयर और एडमिशन। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया एकेडमिक ईयर कब से शुरू करेंगे, यह साफ होना चाहिए। अगर अगस्त में एग्जाम होंगे तो एकेडमिक ईयर सितंबर में शुरू होना चाहिए। इस पर सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि जितना जल्द मुमकिन होगा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट से निकलने रिजल्ट के बेसिक पर स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब हम जानते हैं कि परीक्षाएं रद्द क्यों की गई है। तो परीक्षा रद्द करने की हम कुछ जो वजह हैं, जो कारण है, वो कारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कोरोना के बढ़ते मामले और स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बन चुके हैं, इसलिए पूरा पढ़ते हैं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं देने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसमें मांग की थी कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बोर्ड को एग्जाम्स रद्द कर देना चाहिए। इसमें यह दलील की गई थी कि सीबीएसई विदेशों में मौजूद 250 स्कूलों की परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला पहले ही ले चुका है, तो देश में भी बचे हुए पेपर रद्द होने चाहिए। और उसके बाद कई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में परीक्षाएं कराने के लिए स्कूल में अभी जगह नहीं है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीएसई और सरकार की तरफ से दलील लेते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि कई स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा चुका है, इसमें से लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई मसले हैं। उसका जो तीसरा कारण है 3 राज्य अभी एग्जाम नहीं चाहते थे। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा सरकार ने पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। मतलब जो ये परीक्षाएं रद्द करने की मांग है ये केवल किसी आदमी या जो कुछ पेरेंट्स की मांग नहीं चल रही थी या स्टूडेंट्स की मांग नहीं चल रही थी कि जो परीक्षाएं रद्द कर दिया जाए, ये जो 3 राज्य हैं उनकी भी मांग चल रही थी कि जो परीक्षाएं रद्द कर दिया जाए। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये पूरा न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। जो मेन था मैंने आपको मेन पढ़ के बता दिया है। और अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का है इनके ऊपर क्या प्रक्रिया है, मतलब स्टूडेंट्स इनके ऊपर क्या प्रक्रिया दे रहे हैं पेपर कैंसिल होने के बाद।